अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन टुडेस मॉड्यूल आई विल बी टीचिंग यू पेपरा रूल्स 2004, दैट इज़ पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी रूल्स 2004। दिस इज़ लेक्चर नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 36 दैट टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर्स ऑफ ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग। हमने लास्ट टाइम सेक्शन नंबर 35 तक पढ़ा था और आज हम स्टार्ट करेंगे 36 सेक्शन से। सो आई विड सजेस्ट कि काइंडली आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख लीजिएगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को, ताकि आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ सके, बिकॉज दिस इज़ अ मेजर टॉपिक फॉर सीनियर ऑडिटर टेस्ट। एंड मुझे बहुत लोगों ने कहा है कि पेंशन के आप जो है बनाए लेक्चर्स, सो इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज़ मैं उसे भी कंटिन्यू करूँगी और पेंशन के जो है लेक्चर्स को अपलोड करूँगी। तो आज मैं इसे कंटिन्यू कर रही हूँ सेक्शन 36 को, जो हमारे प्रोसीजर्स की बात करता है। एंड बेसिकली देयर आर 4 प्रोसीजर्स। अक्सर स्टूडेंट्स और जो हमारे एप्लीकेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन दीज 4 प्रोसीजर्स, लेकिन ये इतने डिफ़िकल्ट नहीं है। आज मैं आप लोग को बहुत ईजी वे में समझाऊँगी, तो इंशाल्लाह आप इन्हें अच्छे से कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1, दैट इज़ सिंगल स्टेज 1 एनवेलप प्रोसीजर। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि देयर इज़ अ सिंगल स्टेज, एक ही स्टेज में एक ही टाइम पे काम हो रहा है और एक ही एनवेलप है। ईच बिड शैल कंप्राइज वन सिंगल एनवेलप। एक ही एनवेलप है कंटेनिंग फाइनेंशियल प्रपोजल एंड टेक्निकल प्रपोजल इफ एनी। ऑल बिड्स शैल बी ओपन एंड एवेल्यूएटेड इन अ मैनर प्रेस्क्राइब इन अ बिडिंग डॉक्यूमेंट। अब ये कह रहे हैं कि हर बिड एक जो है सिंगल एनवेलप होगा उसके लिए, और एक ही एनवेलप में 2 प्रपोजल्स होंगे। अब ये हमारा पॉइंट याद करने का, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि जब बिडिंग के लिए हमारे जो बिड सबमिट होती हैं तो वो कौन से प्रपोजल्स होते हैं, 2। एक होते हैं फाइनेंशियल प्रपोजल, द सेकंड इज़ टेक्निकल प्रपोजल। फाइनेंशियल प्रपोजल में हम लोग ये बताते हैं, बिडर ऑफर देता है कि मैं इतने पैसे में इतने अमाउंट में ये काम करके दूंगा। वाइल इन अ टेक्निकल प्रपोजल हमारे पास बेसिक स्किल्स, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें हमारे टेक्निकल में बताई जाती हैं कि हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी क्या स्किल्स हैं, हमारी क्या एबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये 2 प्रपोजल दिए जाते हैं और हर बिड कह रहे हैं कि ओपन होती है, ठीक है, और एक ही टाइम पे इवेल्यूएट होती है। और वो होती है किस बेसिस पे, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स जो हमने पहले बनाए थे उसकी बेसिस पे इवेल्यूएशन की जाती है। यानी एक ही स्टेज में दोनों साथ ओपन हुए, फाइनेंशियल प्रपोजल भी टेक्निकल भी ओपन हुआ, और दोनों को साथ इवेल्यूएट करते हुए जिनको एक्सेप्ट करना था, जिनको हमने सेलेक्ट किया सो किया, बाकी जो रिजेक्ट हुए सो वो रिजेक्ट हो जाएंगे। कोई और स्टेज नहीं है, कोई और प्रोसीजर नहीं है। द नेक्स्ट स्टेज प्रोसीजर इज़ सिंगल स्टेज 2 एनवेलप प्रोसीजर। अब यहाँ स्टेज एक ही है लेकिन 2 एनवेलप है। फर्स्ट में था सिंगल स्टेज, एनवेलप भी एक ही था, तो दूसरे में एक ही स्टेज है लेकिन 2 एनवेलप होते हैं। दिस बिड शैल कंप्राइज अ सिंगल पैकेज कंटेन 2 सेपरेट एनवेलप्स। अब इसमें पैकेज एक होता है लेकिन 2 एनवेलप्स होंगे, ठीक है, सेपरेट एनवेलप्स हैं। ईच एनवेलप शुड कंटेन द फाइनेंशियल प्रपोजल एंड टेक्निकल प्रपोजल। ऊपर ये था कि एक ही एनवेलप में दोनों प्रपोजल्स को डाला था, अब ये कह रहे हैं कि एक एनवेलप नहीं है, 2 एनवेलप है, दोनों को अलग रखना है, एक फाइनेंशियल का एक टेक्निकल का। द एनवेलप शैल बी मार्क हिज फाइनेंशियल एंड द टेक्निकल इन बोल्ड एंड लेजिबल लेटर्स टू अवॉइड द कन्फ्यूजन। एनवेलप्स पे क्लियरली बोल्ड लेटर्स में मैंशन होना चाहिए कि ये फाइनेंशियल है, एंड टेक्निकल पे टेक्निकल को बोल्ड लेटर्स में लिखना चाहिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। इनिशियली ओनली द एनवेलप मार्क टेक्निकल शैल बी ओपन। अब ये भी एमसीक्यूस में आ सकता है कि जो हमारी सिंगल स्टेज 2 एनवेलप प्रोसीजर है उसमें पहले कौन सा प्रपोजल खोला जाता है, उसमें सबसे पहले हम टेक्निकल प्रपोजल को खोलते हैं। कौन सा टेक्निकल, यानी यहाँ पे हमें किस चीज़ को इम्पोर्टेंस पहले दिए, टेक्निकलिटी को दी है कि कौन सी स्किल्स हैं, कौन सी इसकी एबिलिटी है बंदे की, हम फाइनेंस को पहले नहीं देख रहे। द फोर्थ पॉइंट इज द एनवेलप मार्क हिज फाइनेंशियल प्रपोजल शैल बी रिटेन द कस्टडी ऑफ प्रोक्योरिंग एजेंसी विदाउट बीइंग ओपन। आप कह रहे हैं फाइनेंशियल प्रपोजल जो था वो प्रोक्योरिंग एजेंसीज की कस्टडी में होगा, उसे ओपन नहीं किया जाएगा, पहले टेक्निकल को ओपन किया जाएगा। ओके, नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल इवैल्यूएट टेक्निकल प्रपोजल इन अ मैनर प्रिस्क्राइब इन एडवांस विदाउट रेफरेंस टू प्राइस एंड रिजेक्ट एनी प्रपोजल व्हिच डज नॉट कंफर्म टू स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स।
अब प्रोक्योरिंग एजेंसीज एवेल्युएट करेंगी टेक्निकल प्रोसीजर्स को उन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो पहले बताई गई थी, प्राइस को नहीं देख रहे, फाइनेंशियल प्रपोजल को टच नहीं करेंगे। अब उन्हें अगर टेक्निकल प्रपोजल अच्छा लगता है तो वो उसे एक्सेप्ट करेंगे, और अगर उनको अच्छा नहीं लगा तो वो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। ड्यूरिंग टेक्निकल एवेल्युएशन नो अमेंडमेंट इन टेक्निकल प्रपोजल शैल बी परमिटेड। टेक्निकल जब एवेल्युएशन होगी टेक्निकल प्रपोजल की, तो कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती। अब ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है, इस स्टेज में बोल रहे हैं कि सिर्फ चेक करें, ठीक है। टेक्निकल प्रपोजल को या तो चेक करके रिजेक्ट या एक्सेप्ट करेंगे, उसमें अमेंडमेंट के चांसेस नहीं है कि आप फिर से उसको मॉडिफाई करो। इस स्टेज में नो टेक्निकल अमेंडमेंट्स। The financial proposal of bid shall be opened publicly at a time, date, when I announce and communicate it to the bidders in advance. फाइनेंशियल प्रपोजल्स वगैरह जो ओपन होंगे, क्योंकि वो तो कस्टडी में थे प्रोक्योरिंग एजेंसीज़ के, तो वो कह रहे हैं कि अब वो बाद में ओपन होंगे, उसका जो है कहाँ पे होंगे, किस टाइम होंगे, वो सारा वो बिडर्स को अनाउंस कर देंगे। आफ्टर वैल्यूएशन एंड प्रपोजल ऑफ टेक्निकल प्रपोजल द प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल एट एनी टाइम विद इन द bid validity period publicly open the financial proposals of a technically accepted bids only. The financial proposal of bid found technically non-responsive shall be written and open to the respective bidders. अब ये कह रहे हैं कि जब हमने evaluation कर ली technical proposals की, जो हमें ठीक लगे ठीक है उनको हम accept कर रहे हैं और उनको बुलाएंगे ताकि financial proposal open हो, लेकिन अगर जो हमने reject कर दिए ना टेक्निकल, तो फिर फाइनेंशियल प्रपोजल को ओपन ही नहीं करेंगे। क्योंकि देखें, जब टेक्निकल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, स्किल्स ही उस हिसाब से नहीं है, एबिलिटी नहीं है उस हिसाब से, एजुकेशन नहीं है या उस हिसाब से एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमारा फाइनेंशियल प्रपोजल खोलने का कोई काम ही नहीं है, वो अनओपन उनको वापस दिया जाएगा। द बिड फाउंड टू बी लोएस्ट वैल्यूएटेड बिड शैल बी एक्सेप्टेड। वो बिड एज यूजुअल जो लोएस्ट एवेल्युएटेड बिड होती है, हम उसे ही एक्सेप्ट करते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं लोएस्ट एवेल्युएटेड, यानी जो प्राइस में भी कम होनी चाहिए, जो क्वालिटी के हिसाब से अच्छी होनी चाहिए, जो सबसे बेस्ट फीचर्स दें हमें, तो वो हमारी लोएस्ट एवेल्युएटेड बिड होती है। ओके, दिस इज़ द थर्ड वन। अब यह है टू स्टेज बिडिंग प्रोसीजर। अब ये याद रखिएगा, इसमें हमें एनवेलप्स की बात नहीं की गई, इट जस्ट इन्वॉल्व द टू स्टेजेस। क्या है टू स्टेजेस बिडिंग प्रोसीजर? सो लेट्स स्टार्ट। द बिडर्स शैल फर्स्ट सबमिट अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन अ टेक्निकल प्रपोजल विदाउट प्राइस। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये क्या करते हैं बिडर्स, पहले क्या सबमिट करते हैं? टेक्निकल प्रपोजल। अब यहाँ पे इन्होंने फाइनेंशियल प्रपोजल सबमिट ही नहीं किया। जो हमने फर्स्ट स्टेज पढ़ी थी उसमें क्या हुआ था, जिसमें एक ही स्टेज थी और एक ही इन्वेलप था, उसमें दोनों फाइनेंशियल टेक्निकल साथ दिए थे, दोनों साथ इवेल्यूएट हुए। सेकेंड वाले में हमने क्या किया था, दोनों साथ दिए थे, लेकिन उसमें दो स्टेजेस ऐसे थी कि पहले में उसमें इन्होंने क्या करा था कि टेक्निकल को चेक किया, टेक्निकल अगर एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ उस हिसाब से फिर बाद में फाइनेंशियल प्रपोजल को खोलते हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें ये डिफरेंस हमारे पास बेसिकली आ रहा है कि फाइनेंशियल प्रपोजल हम साथ लेके नहीं आए, हमने जस्ट पहले टेक्निकल प्रपोजल दिया है। द टेक्निकल प्रपोजल शैल बी वैलिडेटेड इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यूएशन क्राइटेरिया एंड मे बी डिस्कस विद द बिडर्स रिगार्डिंग एनी डेफिशिएंसी एंड अनसेटिस्फैक्ट्री टेक्निकल फीचर्स। क्या अब यहाँ पे ये न्यू पॉइंट ये है, पहले हमने पढ़ा था कि कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती ना, जो हमने सेकंड पढ़ा था जिसमें था टू स्टेजेस पढ़ा था, ओके, उसमें टू स्टेजेस हमारे पास होती है ना, टू स्टेजेस नहीं होती, स्टेज एक होती है, टू इन्वेलप होते हैं, सॉरी टू से, एक स्टेज थी, ठीक है, हमारे पास दो इन्वेलप थे, तो उसमें हमारे पास ये चीज़ थी कि अमेंडमेंट की इजाज़त नहीं थी, टेक्निकल बस रिजेक्ट या एक्सेप्ट हुआ था। यहाँ पे हमें ये कहा गया है कि अगर कोई सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है, हमें टेक्निकल प्रपोजल्स सही लग रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उनमें थोड़ी अमेंडमेंट्स की इजाज़त है, यानी हम उनको बोलेंगे कि ये थोड़ी सी टेक्निकल फीचर्स में ये थोड़ा प्रॉब्लम है, आप इसमें अमेंडमेंट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद है आफ्टर सच डिस्कशन बिडर शैल बी परमिटेड टू रिवाइज देयर रिस्पेक्टिव टेक्निकल प्रपोजल। उनको इजाज़त होती है कि वो टेक्निकल प्रपोजल को जो है रिवाइज करें। अब ये थर्ड स्टेज में हमें परमिशन दी गई है कि टेक्निकल को रिवाइज करें। प्रोक्योरिंग एजेंसीज उसे रिवाइज कर सकती हैं, डिलीट कर सकती हैं, या उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऐड कर सकती है, कट कर सकती है, वो डिपेंड करता है। प्रोवाइडेड दैट सच रिविजन्स डिलीशंस मॉडिफिकेशन और एडिशंस आर कम्युनिकेटेड टू ऑल बिडर्स इक्वली एट द टाइम ऑफ इन्विटेशन टू सबमिट final bids and that sufficient time is allowed to the bidder to prepare their revised bids. अब ये कह रहे हैं कि अगर कोई modifications, कोई additions वगैरह हो रही हैं, तो
एनी हाउ सारे के सारे बिडर्स को इतना टाइम तो दो कि आप टेक्निकल प्रपोजल्स को जो है वो चेंज करें या अपडेट कर सकें, ठीक है। यानी उनको टाइम देना होगा, आपने पहले देख लिया, अब आपने थोड़ा अपडेट्स कहीं, अपने थोड़ी मॉडिफिकेशन बताई बिडर्स को, अब बिडर्स को चांस दो कि वो थोड़ा अपडेट करने के बाद फिर से सबमिट करें टेक्निकल को, ठीक है। Provided further that such allowance of time shall not be less than 15 days in national competitive bidding or 30 होंगे international में, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हम लोग कोई अपडेट कर रहे हैं ना टेक्निकल प्रपोजल की, तो हम कितना टाइम देंगे बिडर्स को, 15 डेज नेशनल बिडर्स को देंगे, और अगर इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग है तो 30 डेज देंगे। दोज बिडर्स आर नॉट विलिंग टू कन्फर्म देयर रिस्पेक्टिव बिड टू द प्रोक्योरिंग एजेंसीज टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स मे बी अलाउड टू विदड्रॉ फ्राम द बिडिंग विदाउट फॉरफीचर ऑफ देयर बिड सिक्योरिटी। अब जो बिडर्स अब दोबारा अपडेट नहीं करना चाह रहे, ठीक है, तो वो विदड्रॉ कर सकते हैं बिडिंग से, ठीक है, और उनका जो बिड सिक्योरिटी टू वो जब्त नहीं होगी। हमने पहले पढ़ा था ना बिड सिक्योरिटी दी जाती है जब बिडर को मतलब जो है इन्वाइट कर रहा होता है, या वो क्या होता है अपना प्रपोजल बिड जो है सबमिट करता है, तो वो बिड सबमिट करने के टाइम सिक्योरिटी देता है 5%, हमने पढ़ा था ना, जो 5% से ज़्यादा नहीं होगी उससे कम हो सकती है, तो कम से कम 5 मतलब जो है ना 5% जो सिक्योरिटी है वो कह रहे हैं कि ये जब्त नहीं होगी, वो उसको वापस मिल जाएगी। अगर कोई विलिंग नहीं है अपडेट करने में तो उसकी मर्जी है, वो अपने बिल्स अपनी हर चीज जो है वापस ले सकते हैं। द बिडर्स हुज टेक्निकल प्रपोजल्स आर बिड नॉट बीन रिजेक्टेड, जिनकी रिजेक्ट नहीं हुई और जो विलिंग है कि वो रिवाइज करें अपने टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को, शेल बी इन्वाइटेड, उन्हें इन्वाइट किया जाता है कि वो अगेन क्या करें टेक्निकल प्रपोजल दें अपना, और उसके साथ फाइनेंशियल प्रपोजल भी दें, ठीक है। फर्स्ट स्टेज थी कि टेक्निकल प्रपोजल मिला दिया, अब उसमें कोई अपडेट्स के लिए प्रोक्योरिंग एजेंसीज ने कहा। सेकेंड स्टेज इज दैट के जो रिवाइज्ड उन्होंने टेक्निकल प्रपोजल था उसके साथ वो अपना फाइनेंशियल प्रपोजल देंगे। The revised technical proposal and the financial proposal shall be open at the time date when I announce and communicated to the bidders in advance. टेक्निकल अब जो रिवाइज टेक्निकल प्रपोजल था और जो फाइनेंशियल प्रपोजल था उनकी वो कब ओपन होगा, डेट टाइम सब कुछ अनाउंस किया जाता है बिडर्स को पहले ही। रिवाइज टेक्निकल प्रपोजल एंड फाइनेंशियल प्रपोजल शैल बी वैलिडेटेड इन अ मैनर प्रेस्क्राइब अबव, द बिड फाउंड टू बी लोवेस्ट वैलिडेटेड बिड शैल बी एक्सेप्टेड। यही बात कह रहे हैं कि जो रिवाइज टेक्निकल प्रपोजल था एंड फाइनेंशियल प्रपोजल, उनको हम इवेल्युएट करते हैं किस बेसिस पे, जो हमने मेंशन किया था पहले कि हम किस तरह से करते हैं, और इसके बाद फाइनली हम लोएस्ट इवेल्युएटेड बिल्ड जो बिड होती है उसे एक्सेप्ट करते हैं। अब ये हमारा लास्ट प्रोसीजर है, टू स्टेज टू इनवेलप, ठीक है। इसमें यानी स्टेजेस भी दो हैं और दो इनवेलप्स की बात हो रही है। हमारा अगेन मैं आपको रिवीजन करवाऊँ, फर्स्ट था जिसमें था देयर इज़ वन स्टेज वन इनवेलप, एक ही इनवेलप एक ही स्टेज जिसमें दोनों हमने साथ खोल के दोनों को इवेल्यूएट किया था। दूसरा था कि स्टेज तो एक ही थी लेकिन इनवेलप दो थे, उसमें हमने क्या किया था, वो भी दोनों साथ दिए गए थे लेकिन पहले टेक्निकल को खोलते थे एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो होता जो एक्सेप्ट होता था उसका फाइनेंशियल प्रपोजल खोलते थे, जिसको रिजेक्ट किया तो उसका तो फाइनेंशियल प्रपोजल भी ओपन होता था उसे छोड़ देते थे। उसके बाद हमने अब क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने टू स्टेजेस पढ़ी, लेकिन टू स्टेज में इनवेलप वेलप की बात नहीं की थी। टू स्टेज वाला था जिसमें हमने ये भी बताया कि हम लोग जो है टेक्निकल को दे रहे थे, टेक्निकल प्रपोजल खुलता है तो उसमें अमेंडमेंट्स की इजाज़त दी जाती है, अमेंडमेंट्स की इजाज़त दी जाती है, उन्हें कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है, उस टाइम पीरियड के बाद वो रिवाइज अपना टेक्निकल भी देते हैं और उसके साथ फाइनेंशियल प्रपोजल भी देते हैं। और अब हम आए टू स्टेजेस टू इनवेलप वाली बात में, ठीक है। अब हम इसे पढ़ते हैं कि इसकी फर्स्ट स्टेज में क्या होता है। द बिड शैल कंप्राइज अ सिंगल पैकेज कंटेनिंग टू सेपरेट इनवेलप, ये बात वही की गई है जो हमने उसमें पढ़ी थी, फर्स्ट स्टेज जिसमें वन स्टेज टू इनवेलप थे कि एक ही पैकेज था, टू सेपरेट इनवेलप थे, ईच इनवेलप शैल कंटेन फाइनेंशियल एंड टेक्निकल प्रपोजल, अलग अलग से फाइनेंशियल और टेक्निकल प्रपोजल था। इनवेलप शैल बी मार्क इज फाइनेंशियल प्रपोजल टेक्निकल प्रपोजल इन बोल्ड एंड एलिजिबल लेटर्स टू अवॉइड कन्फ्यूजन, वही के इनवेलप्स को जो है बोल्ड लेटर्स में एनी हाउ में मेंशन करना है कि फाइनेंशियल है या टेक्निकल है। ऑल इनवेलप्स सबसे पहले कौन से ओपन होंगे, टेक्निकल, हर जगह पे हमने क्या ओपन करना था, पहले टेक्निकल प्रपोजल को। द इनवेलप मार्क इज फाइनेंशियल प्रपोजल शैल बी रिटेन इन कस्टडी ऑफ प्रोक्योरिंग एजेंसी विदाउट बीइंग ओपन। अब ये वाला और जो हमने सेकंड पे पढ़ा था इनका ये फर्स्ट स्टेज सेम हो गई कि फाइनेंशियल प्रपोजल कस्टडी में रख दिया, टेक्निकल प्रपोजल को खोला। टेक्निकल प्रपोजल शैल बी डिस्कस विद द बिडर्स विद रेफरेंस टू प्रोक्योरिंग एजेंसीज रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेक्निकल प्रपोजल्स को डिस्कस किया जाएगा बिडर्स के साथ।
The bidders willing to meet the requirement of procuring agencies shall be allowed to revise their technical proposals following these discussions. अब इसमें और उसमें फ़र्क क्या था? जिसमें सिंगल स्टेज थी उसमें डायरेक्ट हमने टेक्निकल प्रपोजल को अगर एक्सेप्ट किया था या रिजेक्ट किया था, अगर रिजेक्ट किया था तो डायरेक्ट फाइनेंशियल को भी वापस भेज दिया था, लेकिन अगर एक्सेप्ट किया था तो हमने फाइनेंशियल प्रपोजल को चेक किया था। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि रिवीजन की बात चल रही है, अब यहाँ कह रहे हैं कि अगर हमें रिवाइज़ करना हो तो वो रिवाइज़ करने का डिस्कशन चलेगा। बिडर्स नॉट विलिंग टू कन्फर्म देयर टेक्निकल प्रपोजल टू अ रिवाइज रिक्वायरमेंट्स, ऐसे बिडर्स जो विलिंग नहीं है कि वो अपने टेक्निकल प्रपोजल को रिवाइज़ कर सकें, उनको अगेन उनके अपने बिड्स वापस दिए जाएंगे और उनकी बिड सिक्योरिटी भी उनको वापस कर दी जाएगी। अब कह रहे हैं आफ्टर, अब सेकंड स्टेज ये सारा प्रोसीजर हो गया, अब कह रहे हैं आफ्टर एग्रीमेंट बिटवीन प्रोक्योरिंग एजेंसी एंड बिडर्स ऑन टेक्निकल रिक्वायरमेंट, दोनों प्रोक्योरिंग एजेंसीज और बिडर्स के दरमियान एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स पे एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। अब बिडर्स जो विलिंग थे वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे हम रिवाइज टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और जो तैयार नहीं होंगे उनको तो वापस मिल जाएगा, जो रिजेक्ट हो गए वो तो गए, ठीक है। जो रिजेक्ट नहीं हुए अब वो क्या करेंगे? शेल सबमिट अ रिवाइज टेक्निकल प्रपोजल, वो अब थर्ड स्टेज वाले की तरह रिवाइज टेक्निकल प्रपोजल भी देंगे एंड सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल प्रपोजल अकॉर्डिंग टू टेक्निकल रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर ये डिफरेंस है, हमने फाइनेंशियल प्रपोजल किसी भी स्टेज में ये बात नहीं की कि वो सप्लीमेंट्री देना है, हमने कहा था जो पहले एक दफ़ा सबमिट हुआ उसमें तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, कोई अमेंडमेंट्स नहीं थी, लेकिन जो हमारा लास्ट प्रोसीजर है जिसमें टू स्टेजेस हैं, टू इनवेलप है, उसमें हमें अगेन सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल प्रपोजल भी देना है। यानी अब हमारे पास तीन हो गई इसमें चीज़ें, एक था हमारा टेक्निकल, ठीक है, जिसको हमने रिवाइज़ किया लेकिन हमने उसके साथ फाइनेंशियल प्रपोजल दिया था स्टार्ट वाला, वो उनके पास पड़ा होगा। अब हमने तीसरा उसके साथ रिवाइज्ड या सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल प्रपोजल भी जमा करवाना है। The revised technical proposal, उसके साथ original financial proposal और supplementary financial proposal open होंगे at the date, time, venue announced in advance by procuring agencies. Procuring agencies जो time देंगी, जो venue या date देंगी, उस time पे ये तीनों open होंगे। अब इसमें तीनों open होंगे, पहले तो सिर्फ दो चीज़ों की बात थी ना, अब यहाँ तीन तीन चीज़ें आ जाएंगी, financial proposal original भी और supplementary भी और हमारा technical भी। Provided that in setting the date for submission of revised technical proposal and supplementary price proposal, a procuring agency shall have sufficient time to bidders to incorporate the agreed upon changes in technical and to prepare the required supplementary financial proposal. Procuring agencies shall evaluate the whole proposal in accordance with the evaluation criteria and the bid found to be lowest evaluated bid shall be accepted. As usual, procuring agency आखिर में क्या करेगी? हमें evaluate करेगी, evaluation के बाद वो lowest evaluated bid को select करेगी। Now this is the section number 37 जो हमें ये कहता है कि किस कंडीशन में हमें सिंगल स्टेज वाला टू इनवेलप यूज़ करना है, टू स्टेज यूज़ करना है, यहाँ पे टू स्टेज टू इनवेलप यूज़ करना है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस। सिंगल स्टेज वन इनवेलप बिडिंग प्रोसीजर शेल ऑर्डिनरली बी द मेन ओपन बिड कॉम्पिटेटिव बिडिंग प्रोसीजर यूज फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोक्योरमेंट्स। अब ये MCQs में आ सकता है कि सबसे ज़्यादा कॉमन प्रोक्योरमेंट में कौन सा प्रोसीजर यूज़ होता है? सिंगल स्टेज वन इनवेलप। अब ये याद रखिएगा कि कौन सा हमारा प्रोसीजर है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है प्रोक्योरमेंट में, वो होता है सिंगल स्टेज वन इनवेलप। अब हमारे आ जाते हैं सिंगल स्टेज टू इनवेलप बिडिंग प्रोसीजर कब यूज़ होता है? वेयर द बिडर्स आर टू बी इवेल्यूएटेड ऑन टेक्निकल एंड फाइनेंशियल ग्राउंड्स एंड प्राइस इज टेकन इनटू अकाउंट आफ्टर टेक्निकल इवेल्यूएशन। ये कह रहे हैं जब बिड्स को इवेल्यूएट होना होता है दोनों ग्राउंड्स पे, यानी हमें टेक्निकल बेसिस को भी रखना होता है मद्देनज़र और फाइनेंशियल को भी रखना होता है, लेकिन हम प्राइस को बाद में देखते हैं, हमारे लिए पहले टेक्निकल इवेल्यूएशन ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसमें हम क्या करते हैं? सिंगल स्टेज टू इनवेलप यूज़ करते हैं, यानी जहाँ हमें टेक्निकल इवेल्यूएशन करनी होती है प्राइस से पहले, वहाँ हम सिंगल स्टेज टू इनवेलप बिडिंग यूज़ करेंगे। उसके बाद है टू स्टेज बिडिंग प्रोसीजर, जहाँ कोई इनवेलप नहीं था, ये कहाँ पे यूज़ होता है? लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज़ होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स यूज़ हो रहे हैं और वेयर टेक्निकली अनइक्वल प्रपोजल्स आर लाइकली टू बी इनकाउंटर्ड और वेयर द प्रोक्योरिंग एजेंसी इज अवेयर ऑफ इट्स ऑप्शंस इन द मार्केट।
But for a given set of performance requirement, there are two or more equally acceptable technical solutions available to the procuring agencies. अब ये कह रहे हैं या तो ऐसा हो सकता है कि बहुत complex contracts हों और हमारे पास टेक्निकल सॉल्यूशंस एक से ज़्यादा हों, यानी डिफरेंट किस्म के टेक्निकल सॉल्यूशंस हैं जो एक ही काम को परफॉर्म कर सकते हैं, उस सिचुएशन में हम लोग टू स्टेज बिडिंग प्रोसीजर यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हम थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके हम जो फाइनली फिर एक्सेप्ट करें। उसके बाद है टू स्टेज टू एनवेलप, ये कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ अल्टरनेटिव टेक्निकल प्रपोजल्स आर पॉसिबल, जहाँ हम अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। अल्टरनेटिव मतलब समझ रहे होते हैं ना, ये नहीं तो वो, ठीक है। तो जहाँ अल्टरनेटिव टेक्निकल प्रपोजल्स की बात है, सच एज कोई मशीनरी या इक्विपमेंट है, क्योंकि यहाँ अल्टरनेटिव चल जाता है ना, मशीनरी में तो अल्टरनेटिव का ऑप्शन होता है ना कि यार ये मशीनरी नहीं तो ये, दोनों के सेम पार्ट्स हैं, दोनों अच्छी चीज़ें कर रही हैं, ठीक है ना, तो इसमें हमें पास अल्टरनेटिव का ऑप्शन होता है, तो उस टाइम पे हम टू स्टेज टू एनवेलप यूज़ करते हैं। सो ये आज का लेक्चर था, थैंक यू सो मच, आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आप लोग को अच्छे से समझ आ गया है देन काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, एंड इंशाल्लाह मैं जल्दी इसका पार्ट 4 भी अपलोड करूँगी, और उसके बाद पेंशन रूल, पेंशन जो है डॉक्यूमेंट्स, और उसके अलावा एनुअल बजट्स हैं, उन सबको अपलोड करूँगी लेक्चर्स को। थैंक यू, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।